नमस्ते, आ गई आज किसकी बारी। इस सीरीज की लास्ट वीडियो पे हम आ गए और लास्ट वीडियो किसकी है, लास्ट वीडियो है पाइसेस की। तो अगर आपका मून साइन पाइसेस है या राइजिंग साइन पाइसेस है या सन साइन पाइसेस है तो ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी। मून साइन और राइजिंग साइन में डेफिनेटली मोर देन 95%, और अगर सन साइन है तो अराउंड 70-75% तो डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. Aap sabka tahe dil se aabhaar, aap sabka shukriya is channel ko dheo sara pyar dene ke liye. और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। अब क्योंकि ये सीरीज की लास्ट वीडियो है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जितनों के साथ आप, जितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा और मेरे दिल को डबल कहते ना खुशी होगी। तो पाइसेस मीन राशि क्या कहती है, पाइसेस राशि अगर मैं लेखा जोखा देखूं ना आपका इस साल का, तो आपने वो एक पिक्चर देखी है येना न्यान वाली, देयर इज गुड इन समथिंग। मतलब येना न्यान की पिक्चर क्या कहती है कि किसी भी बुराई में अच्छाई है और किसी भी अच्छाई में बुराई है। आपने देखी है ना, दो मछली जैसी दिखाई देती है पिक्चर, तो गुड के अंदर बैड भी है और बैड के अंदर गुड भी है। तो आपका 2024 कुछ इस तरह का है, मिला जुला, मॉडरेट। कुछ तो पीक्स आएंगे अप्स के और कुछ पीक्स आएंगे डाउन के। अब वो पीक्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल डाउन होंगे। तो यानी आपका जो ग्राफ है ना, जैसे कहते हैं ना जब हम सांस लेते हैं तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे चलता है, जरूरी है ना। कहते हैं एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है। तो सेम कहानी आपके साथ होने वाली है 2024 में। घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जनरली हम जब भी सोचते हैं ना कुछ बुरा, तो हम जो अच्छा होता है ना उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं और उस ध्यान अटेंशन उस बुराई की तरफ चला जाता है। तो आप उस, कहते हैं जो सामान है, उस सामान में जो मक्खी भिन भिना रही है, सिर्फ अटेंशन उस मक्खी की तरफ देखेंगे या देंगे तो जो पूरा सामान, मिठाई और सब कुछ है उसका लुत्फ लेना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, पहेलियां नहीं बुझाती, मैं सबसे पहले आती हूँ आपकी जॉब, आपकी करियर, फिनेंसेस और बिजनेस, इन सबको एक साथ लेते हैं। इस एरिया में देखे तो मैं देख पा रही हूं कि साल की बिगिनिंग में जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है। दूसरा घर किसका है, वेल्थ का है। तो ऐसे में करीब अप्रैल एंड तक, उसके बाद फिर जुपिटर थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो फिर ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत प्यारी से कुछ चीजें हो जाएंगी। यानी कि अगर आप एक नई जॉब के लिए सोच रहे थे अप्लाई करना, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी है, आपको वो नई जॉब मिल जाएगी। अगर आप ये सोच रहे थे कि प्रमोशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और शायद जो नई जॉब मिले वो जंप के साथ प्रमोशन होगा, यानी आपका पैकेज बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है और नई जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लॉन्ग पेंडिंग काम थे जो वो सिरे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर किसी जगह काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ख्याति फैलेगी थोड़ी और आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको पहचानने लगे या आपके काम जो आप करते हैं उस काम के लिए आपको वाह वाही मिलने लगी। बाहर जाने का अगर प्लान बन रहा था तो अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, आप बाहर ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो ट्रैवल काम के सिलसिले में हो सकता है, जॉब की तरफ से हो सकता है या आपने कहीं अप्लाई किया था उस सिलसिले में हो सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, तो ऐसे में आपको मुनाफा आता हुआ नजर आ रहा है इस साल थोड़ा ज्यादा। और अगर आपने प्लान किया हुआ था नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 100% श्योरिटी है इस साल वो आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। बट अब एक चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है इस पूरे साल में, ये साल सैटर्न गवर्न्ड है। सैटर्न भी एक टीचर है, जुपिटर भी एक टीचर है, और दोनों क्या बात करते हैं, सैटर्न तो स्पेसिफिकली ये कहते हैं मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो ये सोचो, क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या करियर में ग्रोथ है, तो बैठे बिठाए आपकी थाली में प्लेटर सर्व हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, जितनी मेहनत करेंगे उससे एक्स्ट्रा ही फल मिलेगा, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है।
तो इस बात को भूलना नहीं है हमने। अब मैं आती हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर का फिनेंसिस से ही रिलेटेड। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉशन आपको देना है, और वो कॉशन ये देना है क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं और ट्रांजिट इस तरह से हो रहा है कि राहु फर्स्ट हाउस में और केतु आपके सेवंथ हाउस में। तो जब भी राहु फर्स्ट हाउस में आते हैं वो ड्रैगन हेड कुछ खुराफाती दिमाग चलाता है और उस टाइम पे गड़बड़े होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप्स में हैं थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप बिजनेस डीलिंग्स में हैं अगेन ध्यान रखेंगे, कागज कलम दवात ध्यान से सोच समझ कर कागजों पे साइन करेंगे। आपकी कलम तब चलनी चाहिए जब आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है किसी भी कागज को, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीटिंग के मामले नजर आ रहे हैं। अब जी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो मैं कहती हूँ ना दर्द वाला पॉइंट। दर्द वाला पॉइंट कैसे है? नो डाउट जुपिटर सेकेंड हाफ में है और जुपिटर आपको वेल्थ भी दे रहा है, गुडनेस भी दे रहा है, लक भी दे रहा है, लेकिन राहु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं और केतु जब सेवंथ हाउस में आते हैं, तो सेवंथ हाउस होता है रिलेशनशिप का, और रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो वो आपका रिलेशन विद योर लव्ड वन, स्पेशली स्पाउस की बात करें या लव्ड वन की बात करें, या अगर आप किसी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उसकी बात करें, इन तीनों मामलों में मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इस साल। केतु हमेशा आपको विरक्ति देता है, केतु आपको उस एरिया में उस घर में बॉटल नेक्स क्रिएट करवाते हैं, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए आपको लोएस्ट लो तक धक्का मारते हैं। और अगर वो रिलेशनशिप के घर में है तो आप इस साल लव के मामले में, आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, पॉसिबिलिटीज कम नजर आ रही हैं। रादर मैं कहूंगी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, अपने रिलेशनशिप को संजो के रखिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेकेज नजर आ रही है, आपकी रिलेशनशिप टूटती नजर आ रही है, मुझे आप एक नए रिलेशनशिप में जाते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को लेकर बहुत, मतलब छोटे मुद्दे तो छोटे होंगे लेकिन कहा सुनी बहुत बड़ी हो जाएगी, बातें छोटी होंगी लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा निकाल लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां आप इनसिक्योरिटी की वजह से या अपने दिमाग की खुराफाती दिमाग की वजह से, या आपको ऐसा लगेगा पार्टनर से बिट्रेयल मिला, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिसकी बदौलत आपकी रिलेशनशिप में या तो क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे या फिर बहुत बिटरनेस क्रिएट हो सकती है। लड़ाई अगर होगी तो किसी थर्ड पर्सन की बदौलत होगी, किसी तीसरे इंसान की वजह से होगी। ऐसे में थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ट्रस्ट बिल्डअप रखना है करके, बार बार ट्रस्ट टूटेगा और बार बार आपको लगेगा कि ये सेम कहानी बार बार क्यों दोहराई जा रही है, तो इससे अच्छा है मैं खत्म कर दूं। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत होलिस्टिकली सोचते हुए देखो, अगर आप एक परिवार में ऑलरेडी हो, अगर आप परिवार के साथ हो, तो इस तरह की कहां सुनी इस तरह की बातें अगर लाइफ में होती हैं तो मैं उसके लिए एक ही बात कहूंगी, उसको पहले हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस या सोचे होनी चाहिए कि किसी तरह से रिश्ता बचाया जाए। अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े, थोड़ा सा समझना भी पड़े तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप परिवार में हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपका मतलब कहते हैं ना पूरा परिवार है, एक साथ है, तब ऐसे में रिश्ता बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप एक नए रिश्ते में घुस रहे हैं या किसी तरह से आपको लगता है अभी मैरिड नहीं है और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे में आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा चीजों को देखते हुए, सोच समझ के ही फैसले लेना, या इनको मैं कहूंगी 2024 तक कोई बड़ा फैसला लेने की बजाय उसको टाल जाना। हाँ, एक नए रिश्ते में जब अगर घुसते हैं इस साल, वो रिश्ता आपका लंबा चलेगा। तो रिलेशनशिप्स को लेके मैं यही कहूंगी, हैंडल विद केयर। कैसे हम रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं? अगर आपको ज्यादा लगता है तकलीफ हो रही है, ज्यादा चीजों से परेशान हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रिलेशनशिप्स को लेके हैं, तो रोडोनाइट या रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा। अगर फैमिली में है तो गार्नेट हेल्प करेगा, ये जनरली हेल्प करते ही करते हैं। इसके अलावा जब भी आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ कुछ चीजों को लेकर डिस्कशन करते हैं, ये प्रूव करने के लिए नहीं कि तुम ठीक हो या मैं ठीक हूं, तुम्हारा पॉइंट ठीक है या मेरा पॉइंट ठीक है, लेकिन उस रिलेशनशिप को समझने बूझने के लिए, तो आई थिंक उसमें हम बहुत हद तक दो कदम अगर हम दूसरे की तरफ चलते हैं और वो एक कदम हमारी तरफ चलता है तो रिलेशनशिप चल सकती है। लेकिन अगर आप ही आप चलते चले जाएं और दूसरा इंसान और दो कदम पीछे चलता चला जाए और बार बार ऐसा हो, तो आई थिंक ऐसे में उस रिश्ते को वहीं खत्म कर देने में ही
समझदारी है। चलिए जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारा मैंने बता दिया इस एरिया को लेके, क्योंकि केतु सेवंथ हाउस में और मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए जी अब हम आ जाते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। अब क्योंकि आप इतना सारा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम में बिजी हैं, नया काम भी है, नई जॉब भी है, नया सब है, तो कोशिश ये करिएगा वो वहां की जॉब की मानसिक शांति आप घर पे लेकर नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जॉब में मानसिक शांति होगी, लेकिन जब भी हम कुछ नया करने लगते हैं, कुछ बड़ा करने लगते हैं, तो हमारा फोकस इंटेंशन उस तरफ चली जाती है, विद रिजल्ट हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। तो यहां सीरियसली कहूंगी बैलेंस करिएगा। जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी हेल्थ ऑन एन एवरेज ठीक रहेगी, प्रॉब्लम सिर्फ मानसिक अशांति की मुझे दिखाई दे रही है, वो आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी बदौलत आप अननेसेसरीली एंगर, एग्रेशन और मतलब रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग में आ सकते हैं, और विद द रिजल्ट आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगे या अपनी शुगर बढ़ा लेंगे। तो जब भी आपको लगने लगे कि इनमें से कुछ भी ज्यादा हो रहा है, तो इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा क्या चीज है जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उसको देख कर अनदेखा कर रहा हूँ। तो जहां पे भी इसके आंसर्स मिलने लगेंगे आपको, आई थिंक वहां प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, मैं कहूंगी नंबर वन, लेटिंग गो रिचुअल हर फुल मून पे करिएगा। क्योंकि हर बार जब भी एक्लिप्स का टाइम आएगा, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, विद रिजल्ट आपकी हेल्थ सफर करेगी, और ये आएगा जब जब भी एक्लिप्स होगा, और दो बार एक्लिप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको तंग करते हुए ऐसे में। तो स्पेसिफिकली मैं कहूंगी जब आपको इस तरह से इश्यूज आएंगे, तो आपको मेडिटेशन में हमेशा रहना है। हो सके तो इस साल का बिगिन ही हम मेडिटेशन से स्टार्ट करें, एक मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करिए। अगर आपको नहीं आती मेडिटेशन करनी, मेरे चैनल पे वीडियोस डली हैं, आप उनको यूज करिए। अगर मेरा कोर्स भी है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, उसमें हैंड होल्डिंग है 7 डेज तक, आप उन चीजों को रिपीट कर सकते हैं। धीरे 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 आप मेडिटेशन करने लगेंगे, एफर्मेशंस करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। फिर भी लगता है दिक्कत है, तो हाउलाइट को यूज कर सकते हैं एज अ ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा आप सेलेनाइट का लैम्प जला सकते हैं हर रोज अपने घर में वापस आने के बाद 2 से 3 घंटे, ताकि शांति से उस एनर्जी जो आपके रूम की है या आपके घर की है, वो कामली आराम से क्लीन हो जाए एनर्जी, और सारी नेगेटिविटी वहां से एब्जॉर्ब कर ली जाए, हटा ली जाए। कारगर रहेगा आपके लिए हर फुल मून पे लेटिंग गो रिचुअल करना। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा, मैं हर न्यू मून और फुल मून पे रिचुअल्स पोस्ट करती हूँ, जो बहुत सारा मैजिकली चेंजेस लाते हैं लोगों की लाइफ में। आप करेंगे और आपको उससे डेफिनेटली फर्क मिलेगा। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो एज सच स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जुपिटर सेकेंड हाउस में है, तो फॉर श्योर स्टूडेंट्स को कहते हैं ना एक्सेलेंट, वेल डन, कीप इट अप, कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहोगे एज स्टूडेंट्स आप अच्छा करोगे। आपको जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में या जिस जगह हायर इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना था, वो बहुत हद तक पॉसिबल है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब के सिलसिले में, या अप्लाई करके इस तरह से कि मैं ये कोर्स कर लूं और फिर जॉब तलाश कर लूंगा, तो ऐसे में हो सकता है थोड़ा सा मैं वहां बोलूंगी मुश्किल लग रहा है मुझे। आप जिस भी देश में हैं और आप किसी और दूसरी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, इस साल कोशिश करिएगा आप अपनी कंट्री में, जिस भी कंट्री में हैं, वहीं रहें, वहीं पढ़ें और वहीं से पढ़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। इससे अगले साल में आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी विदेश जाके पढ़ने की या जॉब करने की, रादर देन इस साल। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आप बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, और अगर आप पाइसियन हैं, तो हो सकता है आप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हो। ये साल शॉर्टकट्स का नहीं है बच्चों, तो अभी दिसंबर का महीना है, एग्जाम मार्च में आएंगे, आपके पास फिर भी 3 महीने हैं। आज से, अभी से मैं कहूंगी स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। हर रोज त्राटकता क्रिया करें, दिया जलाएं, उसकी लौ को थोड़ी देर तक देखें, ताकि आपकी जो कहते हैं ना इंट्यूशन काम करेगी प्लस कॉन्सेंट्रेशन काम करेगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते वो सारे इम्पॉर्टेंट एडवाइजेस जो मैं आपको देना चाहूंगी, सबसे पहली चीज मैंने आपसे कही थी, इस साल आपको बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करना है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन करना है, मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस करना है, और अपनी साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करना है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें जो दिखता है
वो असली में वो नहीं होता और हालात उस तरह की चीजों को क्रिएट कर देते हैं। कोशिश करिएगा जो आपको दिख रहा है, जब तक उसकी कहते ना तह तक ना चले जाएं, बहुत बड़ा सा डिसीजन मत लीजिएगा। बिकॉज राहु फर्स्ट हाउस में और केतु सेवंथ हाउस में, सेवंथ हाउस का केतु रिलेशनशिप को कुछ दिखाता है, राहु कुछ आपको दिखाता है और वो दिखाता है जो उसी हिसाब से आप उसको बिलीव करते हो और बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हो। आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, इसके लिए जर्नलिंग बहुत काम आएगी, मेडिटेशन बहुत काम आएगी। हर एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल पे कोशिश करिएगा आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़े और कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो मैं पोस्ट करूँ उसको बिल्कुल प्रॉपर टू द टी उसको अच्छे से फॉलो करें ताकि आप अंदर से इवॉल्व हो सकें। एक्लिप्स के टाइम में स्पेशली ध्यान रखना है आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ, अगर आप हर संडे सवेरे उठ के यूट्यूब पे चला लेना और आप सुनते रहना, एटलीस्ट संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ आपको जरूर सुनना है। ये आपको बहुत सी स्ट्रेंथ देगा। इसके अलावा सिंस राहु फर्स्ट हाउस में है, मैं बोलूंगी अगर आप हर रोज 108 नाम माँ दुर्गा के खुद से कंठस्थ बोल सकें, नथिंग लाइक इट। इफ नॉट सिर्फ चला के सुन लीजिएगा, वो भी आपको उतनी ही क्लैरिटी देंगे, उतना ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने आसपास डीक्लटर करके रखना है। राहु को बहुत मजा आता है क्लटर्ड स्पेस देने में, राहु को बहुत मजा आता है जब आप अपना बिस्तर तय नहीं लगाते हो, आप बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हो, आप चाय बिस्तर पे बैठ के पीते हो, मतलब बिस्तर पे ही टीवी, बिस्तर पे ही खाना और उसको मतलब वही आपका ड्रॉइंग रूम, वही बेडरूम और वही सब कुछ बन जाता है। तो राहु ऐसे में और ज्यादा एक्टिवेट होगा और फर्स्ट हाउस का राहु परेशान कर सकता है। ड्रैगन्स हेड कुछ भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। खाना किचन में खाइएगा, डाइनिंग टेबल पे खाइएगा, सिंपली खाना खाइएगा जितना हो सके। चलते चलते दो एक क्रिस्टल जरूर बताऊंगी आपके लिए इस साल मानसिक शांति बनाए रखने के लिए, एक्वामरीन या फिर ब्लू लेस अगेट, ये दोनों के दोनों आपका मेंटल पीस ऑफ माइंड को एक स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करेंगे। और लास्ट चलते चलते अगर आपको ऐसा लगता है कहीं आपके पास एक एक्वेरियम है, आप वहां पे फिश के लिए कुछ दाना खरीद के दे सकें तो वहां दे दीजिएगा ताकि मछलियों को वो दाना आपके हाथ से मिल जाए, या फिर कोई ऐसा तालाब है या जहां आपको पता है मछलियां हैं वहां आते जाते किसी भी दिन दाना डाल दिया करिए। महीने में एक बार भी देंगे तो भी बहुत है, हर हफ्ते देना चाहें वो भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर 2024 एंड आई एम वेरी श्योर आपको 2024 अपने आप को अंदर से और अपलिफ्ट करेगा, आपको और अवेकन करेगा और आपको अपने अंदर से जोड़ेगा, ना केवल जोड़ेगा, आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को हाई पाएंगे इस साल के बाद, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट एंड अ हैप्पी एंड सुपर डुपर सक्सेसफुल 2024। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।